बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आपको लास्ट टॉपिक समझ में आ गया और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली आपने। दैट वाज द मल्टीप्लिकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस ऑफ डिवीजन। डिवीजन वैसे तो यू हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द डिवीजन ऑफ अ फोर डिजिट नंबर बाई टू डिजिट नंबर। यू कैन सी हियर 4707 डिवाइडेड बाय 37, और यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अच्छा, जिस तरह हमने आपको मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स बताए थे, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जो कि आमतौर पे बिगर नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंट। ठीक है, यानी जिसको हमने डिवाइड करना है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट। और जिस नंबर से हमने डिवाइड करना होता है, जो कि आमतौर पे छोटा नंबर होता है, जो कि बाद में आएगा, ठीक है, अपने डिविडेंड लिखते हैं पहले, उसके बाद हम ये डिवीजन का साइन डालते हैं, और फिर इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। और इनको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने डिवाइड कैसे करना है। जब भी ऐसे नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड को हम रखते हैं 4707 इस निशान के अंदर। ठीक है, ये डिवाइस डिवाइड करने का जो निशान है, सिंबल है, वो ये यूज़ करते हैं, और डिवाइज़र को हम रखेंगे बाहर। ठीक है, अब देखिए जो 37 है, इट इज़ अ बिगर नंबर। आई डोंट नो इट्स टेबल, 37 का टेबल मुझे नहीं आता और मैं ना याद कर सकती हूँ। तो इसको हम किस ट्रिक से करें, अब हमें इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे। इसके लिए मैं एक बहुत आसान आपको एक मेथड बता रही हूँ, आपने उसको गौर से देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको शुरू में आपको लगेगा ये तो बहुत सारा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी है ये। आप इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि आप 37 का पूरा टेबल लिखें या उसको याद करें। ठीक है, तो मैं आसान वाला तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि 37 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर लेंगे, 4 से करेंगे, 4 तो छोटा हो रहा है तो हम नेक्स्ट वाला भी ले लेते हैं। याद है ना, डिवीजन में हम ये कहते हैं कि यहाँ वाला नंबर अगर एक छोटा हो रहा था फिर हम दूसरे को मिला देते हैं, फिर भी छोटा हो रहा था हम तीसरा ले लेते हैं। अब 47 37 से ग्रेटर है तो हम पहले 37 को 47 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब हमने देखना है कि 37 वन ज़ा 47 पर आएगा या 2 से आ रहा है या 3 से आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप 37 को राउंड ऑफ कर दें टू द नियरेस्ट 10। आपको याद है ना, राउंडिंग ऑफ हम किस तरह करते हैं कि 37 जो किसके दरमियान है, 30 और 40 के दरमियान में है। तो किससे नियर है ये, 30 से नियर है 37 या 40 से, 40 से नियर है। ठीक है, हमने पढ़ा था 5 या 5 से अगर बड़ा हो तो हम आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 40, यानी 37 राउंड ऑफ होकर क्या हो गया, 40। अब इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 47 से। ठीक है, तो 47 को भी आप राउंड ऑफ कर दें, 47 राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा, क्योंकि 40 और 50 के दरमियान में है। यह हम ये देखते हैं कि लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस पे उस नंबर को देखते हैं, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो हम पीछे वाले को प्लस कर देते हैं, यानी 50 कर देंगे इसको। अब आपने क्या करना है, ये जो इसका ज़ीरो है इसको कट कर दें, इसका भी ज़ीरो कट कर दें। ठीक है, अब आप 4 को डिवाइड करें 5 से, यानी अगर आपने 5 से डिवाइड करना हो तो आप क्या चेक करेंगे, 4 के टेबल में 5 कहाँ आता है, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8, तो हम क्या करेंगे, 4 को 5 से जब करना हो तो 4 वन ज़ा 4 करेंगे। तो इसका मतलब है 37 को भी हमने 1 से करना है। ठीक है, 1 से या फिर 2 से होगा, तो 37 वन ज़ा क्या हो गया, 37, क्योंकि अगर हम 2 से करेंगे तो वो 47 से ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। अब इसको हमने माइनस किया, आगे 10। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम ऊपर से एक नंबर उतार लेते हैं, बन गया 100। अब फिर हमारे पास यही है, 37 को राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आया हुआ, 40। अब हमने किस नंबर से डिवाइड करना है, 100 से। ठीक है, क्योंकि हमने 40 का एक ज़ीरो कट किया हुआ है, यहाँ से भी हम इसका भी लास्ट डिजिट
ज़ीरो कट कर देंगे, क्योंकि ये 100 ऑलरेडी राउंडेड ऑफ, इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आखिर में वैसे ही ज़ीरो आ रहा है इसके। ठीक है, जिस नंबर के एंड में ज़ीरो आ रहा हो टू द नियरेस्ट 10 हमने नहीं करते फिर उसको। ओके, अब 4 को जब हम 10 से, हमने अब 4 को चेक करना है कि 10 कहाँ आता है इसकी टेबल। 4 1 4 4 2 8 4 3 12, तो अगर हम 4 को 3 से करेंगे तो 10 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मतलब है हम 2 से ही करेंगे, तो 4 2 8, 10 से स्मॉलर आएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको 2 से करेंगे। 37 को भी हम 2 से चेक करेंगे, ये 2 के आसपास ही चेक करेंगे। अब हम करते हैं 37 2 7 2 7 14 2 6 + 1 7, 100 से छोटा आ रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं एहतियातन के 37 3 कहीं हो जाए शायद, तो हम 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 7 21 3 3 9 10 11, 111 100 से ज़्यादा है, तो उसका मतलब है 37 2 से करेंगे। ठीक है, ये एक एस्टिमेशन है, यानी अंदाजन हम कर लेते हैं। इस तरीके से हमें हेल्प मिल जाती है कि किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो हमने कहा 37 2 74, अब इसको माइनस कर दें। 10 माइनस कैसे करेंगे, ये 9 यहाँ रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6, 9 में 7 गए 2 26। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7 उतार लिया हमने नीचे। अब हम 37 को 267 से करेंगे, यही तरीका है। 37 को राउंड ऑफ किया हमने तो क्या आया है हमारे पास, 40 आया था, और 267, अब 267 को राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट 10। तो हम वंस वाले को देखते हैं, अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, इसमें एक नंबर प्लस कर देते हैं, 270 हो गया ये। ठीक है, लास्ट ज़ीरो को हम कट कर देंगे। अब 4 को चेक करेंगे, अगर 4 के टेबल में 27 कहाँ आता है। 4 1 4 4 5 20 4 6 24 4 7 28, तो इसका मतलब 7 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28 27, तो हम 4 6 से चेक करते हैं। इसका मतलब है कि हम 37 को 6 से चेक करके देखें। ठीक है, अंदाजा 37 को हम 6 से करें, 6 7 42 2 इधर आया, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 3 18 19 20 21 22, 222 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 267। अब आप अंदाज़ चेक कर सकते हैं कि 37 7 से कहीं वो भी कहीं से छोटा तो नहीं, क्योंकि ये अभी छोटा आ रहा है, तो हम एक दफ़ा 37 को 7 से भी चेक करके देख लेते हैं। 7 7 49 7 3 21 22 23 24 25, तो 259, ये भी कम आ रहा है इसे। और अब अगर हम 37 को 38 से भी चेक करके देख लेते हैं, सॉरी 8 से भी चेक कर लेते हैं, 8 7 56 8 24 25 26 27 28 29, 296 हो गया है ग्रेटर। तो इसका मतलब है 37 को हम किससे करें, 7 से करके देखते हैं। 37 7 ज़ा क्या आ रहा है, 259, जी। अब करें जो जनाब माइनस करें इसको, 17 में से 9 गए 8, 5 में से 5 गए 0 और 0, तो आगे तो कोई नंबर नहीं है जिसको हम 7 उतार सके, तो इसका मतलब दिस इज आवर, इसको क्या बोलते हैं जो बच जाता है, रिमाइंडर। और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन।